स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल और मेल और फीमेल ऑर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन। तो जिस प्रोसेस से हम लोग किसी भी इंडिविजुअल वेदर इट इज मेल और फीमेल डिटरमाइन करते हैं या फिर मेल और फीमेल ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ द इंडिविजुअल को डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन अगर देखो यहाँ पे देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एलोजोमिक और क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे देखो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन एंड एलोजोमिक और क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन। अभी हम लोग को क्या करना होगा, जितना ये जो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है उसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे अगर देखो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में अगर हम लोग बोले, सिंपली हम लोग यही बोल सकते हैं, इन वेरियस एनिमल्स एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स लाइक एसोसिएशन विद फैमिलीज एंड इनक्यूबेशन टेम्परेचर। बहुत सारा ऐसा एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक एसोसिएशन विद फैमिलीज या फिर इनक्यूबेशन टेम्परेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अगर देखो एसोसिएशन विद फैमिलीज अगर देखो फर्स्ट जो है क्या क्या है, देखो एसोसिएशन विद फैमिलीज, दूसरा है इनक्यूबेशन टेम्परेचर। तो फर्स्ट अगर देखो फर्स्ट क्या है, एसोसिएशन विद फैमिलीज। तो यहाँ पे देखो द लार्वा ऑफ सीवाम बोनेरिया, एक सीवाम का नाम है जिसका नाम है बोनेरिया, उसका जो लार्वा जो है विच इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड। नॉर्मली क्या होता है, ये जो लार्वा जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब वेदर इट इज मेल और फीमेल ये समझ में नहीं आता, जस्ट ये फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म होता है। बट व्हेन दिस लार्वा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फीमेल, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में, व्हेन दिस लार्वा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेच्योर फीमेल, जैसे ही ये लार्वा मेच्योर फीमेल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा द लार्वा बिकम मेल एंड प्रेजेंट एज ए पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यही बोनेलिया जो वाम जो है इसका लार्वा जब एक मेच्योर फीमेल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है देन इट डेवलप इनटू मेल इंडिविजुअल एंड प्रेजेंट इनटू यूट्रस ऑफ द फीमेल एज पैरासाइट। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नाउ ये अभी फीमेल के बॉडी में यूट्रस के अंदर एज ए पैरासाइट रहता है एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस लार्वा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारा लार्वा जो है व्हिच आर नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फीमेल, बहुत सारा ऐसा लार्वा है व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद द फीमेल, वो क्या होता है, दे रिमेन प्रेजेंट एज फ्री लिविंग लार्वा। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएशन विद फीमेलीज के बारे में। अगर देखो ये बोनेलिया एक जो सीवाम जो है व्हिच बिलोंग टू द फाइला मेलेट, इनके केस में ये फेनोमेनन ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे लार्वल फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बोनेलिया का जो लार्वा जो है वो जो फीमेल मेच्योर फीमेल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है देन इट बिकम मेल एंड दोस लार्वा व्हिच आर नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेच्योर फीमेल दे रिमेन प्रेजेंट एज फ्री लिविंग लार्वा। तो ये हो गया हम लोग का एसोसिएशन विद फीमेल्स। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो दूसरा कंडीशन है इनक्यूबेशन विद इनक्यूबेशन टेम्परेचर। तो ये हम लोगों को देखा होगा, तो इनक्यूबेशन टेम्परेचर ये हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, इवन इन केस ऑफ ह्यूमन इनक्यूबेशन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबी जो होता है प्रीमेच्योर बेबी होता है उनके केस में क्या किया जाता है, अगर प्रीमेच्योर बेबी होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं उस बच्चे को इनक्यूबेशन चैम्बर में डाल देते हैं फॉर प्रॉपर डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी देखो ये जो इनक्यूबेशन टेम्परेचर जो है इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन इन डिफरेंट
टाइप्स ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे देखो मैंने तीन पॉइंट एग्जांपल के हिसाब से अगर देखो इंक्यूबेशन टेम्परेचर के वे इज द रीजन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द एम्ब्रायो इन क्रोकोडाइल टर्टल एंड एलिगेटर। तो यहाँ पे देखो तीन एग्जांपल के मैंने यहाँ पे रखा है क्रोकोडाइल टर्टल एंड एलिगेटर के केस में। ठीक है, क्रोकोडाइल के केस में अगर जाओ हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलिनेस। क्रोकोडाइल के केस में क्या होता है, जो एक हाई टेम्परेचर में इनक्यूबेट होता है दे बिकम मेल एंड दोस एक व्हिच आर इनक्यूबेटेड इन लो टेम्परेचर दे बिकम फीमेल। तो ये फीमेलनेस और मेलनेस कहाँ से आता है, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। ऑन द अदर एंड टर्टल के केस में अगर देखो बिलो 28 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है देखो बिलो 28 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है टेम्परेचर तो वो मेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्रोकोडाइल का उल्टा प्रोसेस होता है यहाँ पे, और एफ ऑफ 33 डिग्री अगर होगा इनक्यूबेशन टेम्परेचर तो उस एग से फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इन केस ऑफ टर्टल अगर एग का इनक्यूबेशन टेम्परेचर इन बिटवीन 28 to 33 डिग्री होता है तब बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर डेवलप फ्रॉम द एग। तो ये हो गया इन केस ऑफ टर्टल। अब चलते हैं थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड एज इन केस ऑफ एलिगेटर। एलिगेटर के केस में क्या होता है, 30 डिग्री और बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर में अगर किसी भी एक का इंक्यूबेशन होता है वो फीमेल के हिसाब से डेवलप होता है। ऑन द अदर हैंड दोस एग इंक्यूबेटेड इन 33 डिग्री प्रोड्यूस मेल इंडिविजुअल। तो ये हो गया इंक्यूबेशन टेम्परेचर व्हिच इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी या फिर डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो ये दैट मींस यहाँ पे देखो ये जो एसोसिएशन विद फैमिलीज या फिर इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है दिस आर एक्चुअली एनवायरमेंटल फैक्टर जो कुछ कुछ एनिमल्स के केस में सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन अगर देखो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन अगर देखो इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इज लोकेटेड ऑन सम ऑटोजोम्स। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं एलोजोम या फिर सेक्स क्रोमोजोम है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन अगर देखो एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। बट इन नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, सर्टेन ऑटोजोम ऑटोजोम में क्या होता है उस सेक्स डिटरमाइनिंग जीन रहता है जिससे क्या होता है उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। नॉर्मली जो एलोजोम में होना चाहिए था वो ऑटोजोम में लोकेटेड होता है। तो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इज लोकेटेड ऑन द ऑटोजोम। जैसे इन केस ऑफ बैक्टीरिया अगर देखो द इनका जो सेक्स फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर है व्हिच इज फाउंड इन एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड नॉर्मली प्लाज्मिड अगर देखो प्लाज्मिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेक्स फैक्टर या फिर जो जीन ऑफ फर्टिलिटी जो है वो कहाँ पे होता है, देखो एफ प्लाज्मिड में होता है, एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। अभी यहाँ पे क्या है बैक्टीरिया के इसमें दोज बैक्टीरिया कॉन्टेन फर्टिलिटी फैक्टर और दोज बैक्टीरिया विद फर्टिलिटी फैक्टर बिहेव एज मेल। जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर होगा वो मेल के हिसाब से बिहेव करता है और दे आर ऑल्सो नोन एज डोनर और एफ प्लस बैक्टीरिया। एंड जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है दे बिहेव एज फीमेल और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन कैसे, तो जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर होगा व्हिच एक्ट एज ए मेल और जिसमें नहीं होगा एक्ट एज ए फीमेल। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस मेल ओनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, मेल होता है। अभी ये समझना होगा कैसे होता है, तो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ यहाँ पे दो बैक्टीरिया वन इज कॉल्ड एज एफ सेल एफ प्लस सेल एफ माइनस सेल। एफ प्लस मतलब मेल फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एफ माइनस मतलब जिसमें प्लाज्मिड नहीं। यहाँ पे डायग्राम से इजीली हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एफ प्लाज्मिड है इसके केस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसमें ये एफ प्लाज्मिड नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एफ माइनस और फीमेल बैक्टीरिया। नाउ
जो एफ प्लस सेल होता है इसके इन दिस एफ प्लस बैक्टीरिया कंटेन सेक्स पिली और पिली जो कंजुगेशन ट्यूब और कंजुगेशन पिलर्स बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब दो बैक्टीरिया के बीच एक कनेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड डायग्राम में बोथ दिस बैक्टीरिया कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस कंजुगेशन ट्यूब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन। थर्ड डायग्राम में अगर देखो तो एफ प्लाज्मिड जो जेनेटिक मटेरियल है द एफ प्लाज्मिड ऑफ एफ प्लस बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड टू द एफ माइनस बैक्टीरिया। ठीक है, एरो भी दिया हुआ है उससे अच्छे से हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो एफ प्लाज्मिड जो है एफ प्लस बैक्टीरिया का या फिर मेल बैक्टीरिया बैक्टीरिया का वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, एफ माइनस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। एंड व्हेन दिस एफ माइनस बैक्टीरिया ऑब्टेन और गेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एफ प्लस, अभी एफ माइनस बैक्टीरिया के अंदर जब एफ प्लस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या फिर एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है उसके बाद अगर देखो एफ प्लस सेल जो है वो रिमेन एफ प्लस और जिस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ये एफ प्लस का और एफ प्लस में ट्रांसफर हुआ है इट बिकम एफ प्लस सेल, मतलब ये भी मेल बन चुका है और ये भी मेल बन चुका है। तो ये हुआ नॉन एलोजोमिक सेल डिटरमिनेशन व्हिच इज फाउंड इन बैक्टीरिया। और यहाँ पे नॉन एलोजोम क्यों बोला जाए क्योंकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम और एलोजोम जो है इन्वॉल्व नहीं है। ये हो गया हम लोगों का नॉन एलोजोमिक सेल डिटरमिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एलोजोमिक सेल डिटरमिनेशन। अभी एलोजोमिक सेल डिटरमिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा कुछ पॉइंट जान लेना चाहिए। क्या देखो यहाँ पे अगर देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ऑटोसोम्स एंड एलोजोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स एंड एलोजोम अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देखो ऑटोसोम जो है ऑटोसोम इज आल्सो नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम और बॉडी क्रोमोसोम, मतलब द ऑटोसोम मेंटेन द सोमैटिक कैरेक्टर और बॉडी कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर। दूसरा क्या है देखो एलोजोम, एलोजोम ये एलोजोम इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, मतलब एलोजोम इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये हो गया एलोजोम और सेक्स क्रोमोसोम। अभी यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में मैंने क्या डाला है सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल और फीमेल सेक्स, मतलब ये जो एलोजोम जो है और सेक्स क्रोमोसोम जो है उसी से डिटरमाइन होता है द इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल। सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन मेल, अभी यहाँ पे भी देखो मेल एंड फीमेल दोनों तो डिटरमाइन होता है जब दो द सेक्स क्रोमोसोम जिससे मेल डिटरमाइन होता है उसको हम लोग ने नाम दिया एंड्रोजोम। सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द मेल सेक्स इज नोन एज एंड्रोजोम। एंड सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे भी अगर देखो सेक्स क्रोमोसोम जो है ये सिमिलर भी हो सकता है इन वन सेक्स और डिसिमिलर भी हो सकता है इन वन सेक्स, तो इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखना चाहिए व्हाट इज एलोजोम व्हाट इज ऑटोजोम दोनों का फंक्शन क्या है एंड हाउ दे वर्क। अभी देखो सेक्स क्रोमोसोम जो है सिमिलर भी हो सकता है डिसिमिलर भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर चलें हम लोग देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सेक्स क्रोमोसोम जो है इफ सिमिलर और इफ डिसिमिलर। इफ सिमिलर इफ द सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर उसको हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, होमोमॉर्फिक होमो का मतलब तो है सिमिलर, तो यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम आर सिमिलर इन वन सेक्स नॉट इन बोथ सेक्स, जैसे मेल और फीमेल किसी में ये सेम होगा तो सेक्स क्रोमोसोम आर सिमिलर इन वन सेक्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी डाला देखो इन ह्यूमन फीमेल जो है फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या है एक्स एक्स, मतलब दोनों जो क्रोमोसोम जो है सिमिलर है दैट मींस उसको हम लोग बोल सकते हैं होमोमॉर्फिक। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे अगर ध्यान दो होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जो है क्या प्रोड्यूस करता है ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, मतलब एक्स एक्स मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगा जैसे जो इट इज कॉल्ड एज होमोगैमेटिक। फिर से मैं रिपीट करता हूँ होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट और वन टाइप ऑफ गैमेट दैट इज इट इज कॉल्ड एज होमोगैमेटिक। अभी चलते हैं दूसरा, अगर सेक्स क्रोमोसोम डिसिमिलर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हेटरोमॉर्फिक। इफ द सेक्स क्रोमोसोम आर डिसिमिलर देन इसको हम लोग बोलेंगे हेटरोमॉर्फिक। हेटरोमॉर्फिक के बारे में अगर देखो सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिसिमिलर इन वन सेक्स नॉट इन बोथ सेक्स, जैसे मेल के केस में देखो ह्यूमन मेल कंटेन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम तो हेटरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जो है प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। क्या करता है प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट
therefore it is called as or known as heterogametic लिखा है, ये एक्चुअली चेंज होगा, ये होगा हेटरोगेमेटिक, ठीक है। यहाँ पे जब तुम लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो यहाँ पे होमोगेमेटिक जो है ये एक्चुअली हेटरोगेमेटिक होगा। तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, सिमिलर होगा तो क्या कंडीशन होगा और डिसिमिलर होगा तो इसको क्या कंडीशन, इसका क्या कंडीशन होगा। अभी चलते हैं फिर से सिंपली अगर देखें होमोगेमेटिक इंड्यूजल, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था ह्यूमन फीमेल इट प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट एक्स एंड एक्स, एंड हेटरोगेमेटिक इंड्यूजल अगर देखो ह्यूमन मेल इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। अब इसको डिस्कवरी के बारे में अगर देखें कुछ समझना होगा, हैंकिंग जो है हैंकिंग ने डिस्कवर किया एक्स बॉडी इन 50% स्पर्म ऑफ फायरफ्लाई, फायरफ्लाई के स्पर्म ने 50% स्पर्म में एक्स बॉडी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड वाई बॉडी वाज आइडेंटिफाइड डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस। एंड बाद में क्या किया, विल्सन एंड स्टीवन ने इन द ईयर 1905 प्रपोज्ड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स एंड नेम्ड एक्स एंड वाई बॉडी एज एक्स वाई क्रोमोसोम। जो एक्स एंड वाई बॉडी डिस्कवर हुआ था उसको बाद में नाम दिया गया एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और इन्होंने प्रपोज किया था विल्सन एंड स्टीवन। ये हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ एलोजोमिक और क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे अगर देखो फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है, एक्स 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 वाई टाइप जो ह्यूमन एंड रसोगुल्ला के केस में दिखाई देता है, एक्स 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 वाई टाइप ग्रास ऑफर कॉकरोच के केस में दिखाई देता है, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप बर्ड एंड इन सम रेप्टाइल्स ये दिखाई देता है, जेड ओ जेड जेड टाइप बटरफ्लाई मॉथ इनके केस में होता है, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स डिटरमिनेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स डिटरमिनेशन, क्लियर। अभी चलते हैं हर एक टाइप को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, एक्स 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 वाई टाइप, इन दिस टाइप फीमेल आर होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक का मतलब तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया क्योंकि फीमेल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट एंड मेल्स आर, जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई लिखा है मेल्स आर हेटरोगेमेटिक, तो देयरफॉर गैमेट प्रोड्यूस बाय फीमेल आर सेम टाइप कॉल्ड होमोगेमेटिक, दैट इज एक्स एंड एक्स, एंड मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज फाउंड इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का अगर टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम अगर देखो या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46, 46 में से 44 होता है ऑटोसोम। फिर से मैं अच्छे से यहाँ पे लिखा तो नहीं है पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम होता है, 46 में से 44 जो है मतलब 22 पेयर इस ऑटोसोम मतलब बॉडी क्रोमोसोम, एंड बाकी वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जैसे मेल के केस में हुआ एक्स एंड वाई, फीमेल के केस में एक्स है। तो 44 प्लस एक्स वाई हुआ 46, 44 प्लस एक्स एक्स दैट मीन्स 46, तो मेल एंड फीमेल के केस में सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी यहाँ पे देखो क्रॉस दिखाया है, पेरेंट है मेल इज हेटरोगेमेटिक फीमेल इज होमोगेमेटिक, तो यहाँ पे देखो गैमेट का फॉर्मेशन मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट ऑटोसोम प्लस एक्स ऑटोसोम प्लस वाई, फीमेल के केस में भी देखो ऑटोसोम प्लस फीमेल के केस में क्या है फीमेल्स आर होमोगेमेटिक मतलब दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट 22 ऑटोसोम प्लस एक्स 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, जब दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा तब क्या होगा 50% मेल एंड 50% फीमेल प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेल्स डिटरमिनेशन व्हिच इज फाउंड इन ह्यूमन। अभी दूसरा जो टाइप ऑफ सेल्स डिटरमिनेशन है वो है एक्स 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 वाई टाइप, यहाँ पे अगर देखो इट इज फाउंड इन केस ऑफ राउंड वर्म्स सम इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर कॉकरोच एंड ट्री बग्स, इनके केस में एक्स 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 वाई टाइप होता है। अभी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ एक्सो का मतलब अगर देखो इन केस ऑफ ग्रासहॉपर या फिर कॉकरोच के केस में एक्स एक्स होमोगेमेटिक फीमेल होता है एंड एक्सो मेल होता है, एक्सो मतलब एक्स क्रोमोसोम ए होता है और ओ जो है मतलब जीरो है नहीं, ठीक है वो मतलब जीरो है, इसका दूसरा जो पेयर है वो नहीं है बट इसको हम लोगों ने डिनोट किया एज ए ओ, एक्सो टाइप मतलब जीरो। तो यहाँ पे अगर देखो फीमेल्स आर होमोगेमेटिक बिकॉज इट कंटेन एक्स एक्स क्रोमोसोम बट मेल के केस में हेटरोगेमेटिक हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया बिकॉज इसका दूसरा पेयर नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सो। फीमेल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट
कैसे x and x while male produce two different types of gamete x and o. अभी देखो after fertilization they also produce 50% female and 50% male. यहाँ पे देखो ऑटो ए का मतलब है ऑटोसोम प्लस एक्स ओ मेल मतलब हेटरोमेटिक मेल, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स हेटरोमेटिक फीमेल. तो ये प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट एक्स एन ओ, और यहाँ पे देखो सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट एक्स एन एक्स. एंड आफ्टर फ्यूजन दे आल्सो प्रोड्यूस 50% मेल एंड 50% फीमेल. तो ये हो गया एक्स एक्स एक्सो टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन व्हिच इज फाउंड इन ग्रासहॉपर कॉकरोच ट्री बग्स एटसेट्रा. थर्ड जो है वो है देखो जेड 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 डब्ल्यू टाइप. अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो, पहले जब हम लोगों ने एक्स 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 वाई टाइप या फिर एक्स 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 ओ टाइप किया था उसमें क्या देखा था, फीमेल इज होमोगेमेटिक मेल इज हेटरोगेमेटिक. बट यहाँ पे अगर देखो जेड 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 डब्ल्यू टाइप के केस में मेल जो है मेल इज होमोगेमेटिक, मतलब ये जो जेड जेड क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ये मेल होगा एंड जेड डब्ल्यू मतलब ये डिसिमिलर है ये फीमेल होगा, ठीक है फीमेल क्रोमोसोम. तो दिस मेथड ऑफ सेल डिटरमिनेशन इज कॉमन इन फिशेस बर्ड्स एंड सर्टेन रेप्टाइल. यहाँ पे देखो इन मेल्स द मेल्स आर होमोगेमेटिक दैट मीन्स ए प्लस जेड जेड एंड हैव टू होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जेड एंड जेड. ये तो समझ में आ गया. तो ये जेड जेड जो क्रोमोसोम है ये मेल का है, पहले का पहले जो टाइप था उसमें क्या था मेल इज होमोहेटरोगेमेटिक था, बट इसके केस में मेल इज होमोगेमेटिक. तो ये जो होमोगेमेटिक या फिर हेटरोगेमेटिक का जो कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है या फिर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एनिमल. हर एक एनिमल के अलग अलग पैटर्न है. तो ये नहीं कि फीमेल हमेशा होमोगेमेटिक होगा और मेल हमेशा हेटरोगेमेटिक होगा, ऐसा नहीं है. तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल टू एनिमल ये वेरी करेगा. यहाँ पे देखो मेल होमोगेमेटिक है एंड फीमेल आर हेटरोगेमेटिक, मतलब ए प्लस जेड डब्ल्यू मतलब इट प्रोड्यूस टू हेटरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जेड एंड डब्ल्यू. अभी देखो व्हेन दे प्रोड्यूस गैमेट फ्यूजन के बाद क्या होता है, दे आल्सो प्रोड्यूस 50% मेल एंड 50% फीमेल इन डब्ल्यू. तो यहाँ पे देखो मेल जो है इट प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट ऑटोसोम प्लस जेड ऑटोसोम प्लस जेड, और फीमेल के केस में देखो ऑटोसोम प्लस जेड एंड ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू. जब उसका रैंडम मेटिंग होता है दे प्रोड्यूस 50% मेल एंड 50% फीमेल. तो ये हो गया जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन व्हिच इज फाउंड इन बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इन सर्टेन फिशेस. उसके बाद चलते हैं द फोर्थ टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन जिसका नाम है जेड 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 ओ मेथड. इसके केस में क्या होता है देखो, this method of sex determination is found in some insect like butterfly and moth. butterfly and moth ke case mein ye dikhai deta hai. iske case mein bhi agar dekho zo zz method agar dekho zz matlab yahan pe bhi agar dekho male is homogametic and zo matlab female is heterogametic. yahan pe bhi same wo cockroach jaisa hi hai. zo ka matlab hai devoid of sex chromosome, to usko hum log denote karte hai as o or zero. तो मेल आर होमोगेमेटिक मतलब ए प्लस जेड जेड, वेयरएज द फीमेल आर हेटरोगेमेटिक ए प्लस जेड ओ एंड हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम. देयरफॉर द मेल प्रोड्यूस होमोगेमेटिक है तो प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट विथ ए प्लस जेड एंड फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट ए प्लस जेड एंड ए प्लस ओ. एंड आफ्टर फ्यूजन दे आल्सो प्रोड्यूस 50% मेल एंड 50% फीमेल. तो ये देखने से हम लोगों को समझ में आ रहा है. ये हो गया जेड ओ जेड जेड टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन. इसमें भी मेल इज होमोगेमेटिक फीमेल इज हेटरोगेमेटिक. अभी चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन व्हिच इज कॉल्ड एज हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड और हैप्लोइड डिप्लोइड और स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन. और ये जो सेल डिटरमिनेशन है दिस टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन इज फाउंड इन हनी बी वास्प एंड एंट. और ये स्पेशल मेथड ऑफ सेल डिटरमिनेशन. इसके केस में क्या होता है देखो, फीमेल जो है फीमेल फीमेल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट, ठीक है अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इनटू मेल ऑफस्प्रिंग. जो फीमेल गैमेट अनफर्टिलाइज रहेगा वो क्या होगा पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाएगा एज ए मेल ऑफस्प्रिंग.
और यहाँ पे अगर देखो ये जो मेल ऑफस्प्रिंग जो है पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हुआ है, दैट मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ है, तो उसका जो क्रोमोसोम जो होगा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके केस में होगा, मतलब मेल कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड अगर देखो फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट मतलब द फीमेल गैमेट व्हिच इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म डेवलप इनटू फीमेल ऑफस्प्रिंग। तो ये देखो बहुत मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, दैट मींस जो जायगोट से डेवलप हुआ है तो उसका जो क्रोमोसोम है वो डाइप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो यही लिखा है देखो, दस द फीमेल बियर डाइप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस एन और एज द मेल बियर द हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के जरिए कोशिश भी किया डिस्कस करने के लिए हनीबी के केस में। तो ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है हनीबी इज ए सोशल इंसेक्ट, यानी इनके केस में प्रॉपर कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम मतलब यहाँ पे देखो ड्रोन्स और मेल होता है, क्वीन मीन्स फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल मतलब दे कैन प्रोड्यूस एग्स और इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड क्वीन जो है क्वीन आर ऑल्सो फीमेल बट दे आर स्टेरल, स्टेरल मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग या फिर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नप्शुअल फ्लाइट और मैरिज फ्लाइट ड्रोन्स सिंगल ड्रोन प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड क्वीन ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल नंबर ऑफ एग्स। अभी देखो दोस एग्स फर्टिलाइज बाय द स्पर्म और फ्यूज विद द स्पर्म, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, दे डेवलप इनटू जायगोट ट्वाइचन, जायगोट से बन गया लार्वा, लार्वा भी ट्वाइचन है, उस लार्वा से जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन से कुछ लार्वा क्या होगा क्वीन में डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल फीमेल, जिसका देखो क्रोमोसोम सेट क्या है ट्वाइचन, एंड कुछ फीमेल लार्वा जो है डेवलप इनटू वर्कर इंडिविजुअल जिसको हम बोलेंगे स्टेरल फीमेल, इनका भी क्रोमोसोम सेट अगर देखो डाइप्लोइड। तो ये तो हो गया फीमेल के, मतलब वर्कर जो है वर्कर इज आल्सो फीमेल बट स्टेरल, क्वीन इज द फर्टाइल फीमेल, और दोनों का डेवलपमेंट अगर देखो जायगोट से डेवलप हुआ है, दैट मींस दे आर हैविंग डाइप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड दोस एग व्हिच आर अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड मतलब एन है, फर्टिलाइज्ड हुआ तो जायगोट फॉर्म होगा ट्वाइसन होगा, अनफर्टिलाइज्ड मतलब फ्यूजन नहीं हुआ स्पर्म के साथ, दे डेवलप इनटू ड्रोन और मेल व्हिच आल्सो कंटेन हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बाय व्हिच प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पे देखो मेल्स आर हैप्लोइड एंड फीमेल्स आर डाइप्लोइड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हैप्लोइड डाइप्लोइड मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन और स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो टॉपिक जो है सेक्स डिटरमिनेशन ये खत्म हो चुका है, एंड दिस वन इज मैं फिर से रिपीट करता हूँ यही बात, ये जो टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद एग्जांपल्स याद रखना होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी ये ब्रॉड क्वेश्चन के लिए भी डाल दिया जाता है इन एग्जाम्स, तो इसको अच्छे से देख लेना।